नमस्कार, सत श्री अकाल। हेलो, मैं आपका दोस्त, आपका शेफ निशांत चौबे आज एक फिर एक बार नवरात्रा के उस अनोखे डिशेस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। आज मैं आपके सामने बनाने वाला हूँ केले के चिप्स के साथ, उसके साथ एक टैंजी सी चटनी जो हम बनाएंगे कच्चे आम के साथ। सबसे पहले हम इसमें केले को स्लाइस करेंगे। ये देख सकते हैं केले को हमने बारीक स्लाइस किया हुआ है और इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल है रेसिपी का। पहले हम इसको थोड़े सा लाल मिर्च के साथ मैरिनेट कर देते हैं। ये देखिए मैरिनेट कर दिया मैंने लाल मिर्च के साथ। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें सेंधा नमक। सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नवरात्रा का समय है और इस दौरान आप सेंधा नमक ही खाते हो। इसके बाद डालते हैं थोड़ा सा नींबू इस खटास के लिए। लेमन डाल दिया, इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लें। चलिए अब इसको करते हैं साइड और बनाते हैं अपना ब्यूटीफुल कच्चे आम का चुंदा या लॉन्च या जैम या मार्मलेड, आप कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। सबसे पहले डालेंगे पैन में घी। इम्पॉर्टेंट है कि पैन आपका गर्म होना चाहिए जब आप घी डालें। इसके बाद इसमें डालेंगे ये तेज पत्ता फ्लेवर के लिए, एक दो लाल मिर्च। इसके बाद डाल देते हैं इसमें जो मैंने आम को ग्रेट करके रखा है, इसको डाल देते हैं। बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। इसके बाद इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ डालेंगे और इसमें शक्कर का भी हम यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसको केवल शक्कर या केवल गुड़ में भी बना सकते हैं। ये देखिए लटपटा सा, बहुत अच्छा शाइन भी है। ये देखिए एक तार का है तो इसका मतलब ये तैयार हो चुका है। तो ये तैयार है। अब हम तेल को गरम करते हैं और उसके बाद केले को फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं अब तेल गरम हो चुका है और जो ये केले का चिप्स है गरम तेल के ऊपर आप इसको फ्राई करें। मैं ये देख सकता हूँ कि इसमें तो केला का जो ये चिप्स है वो बहुत अच्छी तरह से क्रंची हो चुका है बेसिकली। ओके, मैं इसको एक टिश्यू पेपर में निकाल लेता हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाए और उसके बाद हम इसको चटनी के साथ परोसेंगे। ये जो डिश है वो पूरी बनाना के ऊपर है तो इसलिए मैंने केले का जो लीफ है, जो फ्रेश ग्रीन लीफ है, इसके ऊपर मैं प्लेटिंग कर रहा हूँ। जो मैंने चुंदा या लॉन्च जो रेडी किया था इसके ऊपर केले के चिप्स के ऊपर डाल दिया। अब इसको और कलरफुल बनाने के लिए मैंने ये जो ऑर्गेनिक रोज के पत्ते हैं उसको, उसके जो पेटल्स हैं बेसिकली उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट गोना पुट इट। अब डालते हैं इसके ऊपर ये पुदीने के पत्ते थोड़े से, जस्ट टू इंश्योर दैट मिंट इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट व्हेन यू कुक अ स्वीट डिश बेसिकली। तो ये तैयार है हमारा एक ब्यूटीफुल क्रंची एंड चटपटा एंड टेस्टी एंड एरोमेटिक कच्चे केले का चिप्स और उसके ऊपर ये ब्यूटीफुल रॉ मैंगो का चुंदा। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस रेसिपी। आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा। जाइए प्लीज़ बनाइए और खुश रहिए एंड हैप्पी नवरात्र टू एवरीवन। थैंक यू।